खराब फसल के मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। सूर्य समाचार से खास बातचीत में बोले हैं जेपी दलाल, आज शाम तक किसानों के खाते में डाली जाएगी मुआवजा राशि। मुख्यमंत्री किसानों के खाते में डालेंगे मुआवजा राशि, ये कहा है। तो सूर्य समाचार से खास बातचीत में कृषि मंत्री ने ये बात कही है, ये बयान दिया है। खराब फसल के मुआवजे को लेकर जेपी दलाल ने खास बातचीत की सूर्य समाचार से, और उसी बातचीत में ये कहा है कि आज शाम तक किसानों के खाते में डाली जाएगी मुआवजा राशि। तमाम जो किसान है वो परेशान ना हो, क्योंकि आज शाम तक किसानों के खाते में मुआवजा राशि आ जाएगी। मुख्यमंत्री किसानों के खाते में ये राशि डालेंगे, ये कहा है सूर्य समाचार से हुई खास बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। तो देखिए, जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है और लगातार हुई बारिश से फसलें खराब हुई हैं किसानों की, जिसके बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और आज ही ये मुआवजा राशि दे दी जाएगी। और खुद इस बात के बारे में सूरज समाचार ने जब सवाल पूछा तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह बयान दिया है कि आज शाम तक किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली जाएगी। मुख्यमंत्री किसानों के खाते में डालेंगे मुआवजा राशि, ये कहा है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। और वहीं 11 जून को गन्नौर सब्जी मंडी का शिलान्यास होगा, ये बड़ी खबर आ रही है। सूर्य समाचार से खास बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा है, बता दें आपको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंडी का शिलान्यास करेंगे। करीब 12,000 करोड़ की लागत से मंडी बनाई गई है। तो सूर्य समाचार से खास बातचीत करी है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने, और तभी इस बात की जानकारी दी कि 11 जून को गन्नौर सब्जी मंडी का शिलान्यास होगा।